स्वागत है आपका फिर से दोस्तों। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे स्टैटिक मैकेनिक्स और जिसमें हम पढ़ रहे थे वेक्टर टेक्निक। ठीक, वेक्टर टेक्निक। तो वेक्टर टेक्निक पढ़ रहे थे और मैं बताया था कि ये बीएससी में जनरली पूछा जाता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए टॉपिक है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला लेक्चर जो कि पहला लेक्चर था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट करिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बात किया था लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन एल। तो हम ये बात कर रहे थे, ये टॉपिक हमने शुरू किया और इस पर हमने बताया था कि किसी लाइन एल का लाइन कोऑर्डिनेट क्या होता है, ई कैप कॉमा ए वेक्टर। ये बताया था ई कैप कॉमा ए वेक्टर, तो ये लाइन कोऑर्डिनेट होता है। अब आज हम बात करेंगे कि अगर लाइन एल दे रखी है, इफ अ लाइन एल इज गिवन ऑफ द फॉर्म कुछ इस तरीके से दे रखे है, क्योंकि अब लाइन का आप वेक्टर इक्वेशन जानते होंगे, ऑफ द फॉर्म आर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस टी डी वेक्टर कुछ इस फॉर्म में दे रखी है, तो इस लाइन का लाइन कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, तो मान लीजिए कि क्वेश्चन वन है। अब देखिए जो डी वेक्टर है इसको समझिए, असल में अब यहाँ पे वो नहीं है कि सिर्फ एक लाइन एल है उसके लॉन्ग एक ई कैप यूनिट वेक्टर है और वो फोटो दो परपेंडिकुलर वाली कहानी यहाँ पे नहीं चल। अब यहाँ पे जो लाइन है ये किसी एक दूसरी लाइन डी वेक्टर के पैरेलल, ठीक है, ये कहानी बदल गई, कहानी जो है बदल गई। पहले सिर्फ लाइन दिया था, अब लाइन जो है वो एक और लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हमने पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी प्लस लेमडा ई के करके पढ़ा था, और पी की वैल्यू हमने निकाली थी जो आई थी ई के क्रॉस ए वेक्टर प्लस लेमडा ई के, ठीक है, छो याद है तो आप पिछले लेक्चर में देखिए तो आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर टू कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इसी लाइन की इक्वेशन है जो हमने फोटो परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से माना था, यहाँ पे एन ये पी वेक्टर माना था, फिर हमने कहा था कि पी क्रॉस ई करेंगे तो ए वेक्टर आएगा, तो इस तरीके से हमने कहानी बताई थी। अब यही लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, डी वेक्टर लाइन के पैरेलल है, तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली ये इसी लाइन की इक्वेशन है, और ये वाली लाइन की इक्वेशन मैंने ये वाली भी मान ली, मतलब ये दोनों लाइन बराबर ही है ना, दोनों लाइन बराबर है क्योंकि हम उसी लाइन की बात कर रहे हैं ना, और इसी लाइन का हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। अब बोलेंगे फाइंड तो कर चुके ई कैप कोमा ए वेक्टर, कितनी बार फाइंड आउट करेंगे, नहीं, असल में अब कुछ बदलेगा, क्या बदलेगा, क्योंकि अब ये जो लाइन है, ठीक है, जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, तो लाइन कोऑर्डिनेट अब चेंज होंगे, ठीक है, ई कैप कोमा ए वेक्टर नहीं होगा, क्या होगा बात करते हैं। तो चूंकि अब पहली वाली इक्वेशन यानी पहली वाली जो लाइन है और जो दूसरी वाली लाइन है बराबर है, अगर ये बराबर है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सी वेक्टर प्लस टी डी वेक्टर इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस ए वेक्टर प्लस लेमडा ई कैप, बराबर है ना, ये आर वेक्टर है, ये भी आर वेक्टर है, तो बराबर है, तो मतलब ये हम दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे पिछली बार हमने किया था ए इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई कैप, फिर दोनों साइड ई कैप से मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं ई कैप्स, और ई कैप क्या है, लाइन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, ई कैप से हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पे बचा सी वेक्टर प्लस टी डी वेक्टर। अब यहाँ पे आपको वेक्टर टेक्निक आनी चाहिए, मतलब वेक्टर कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ये आपको आना चाहिए, तभी आप आगे कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, ई कैप लिया ना, क्रॉस लिया, तो यहाँ पे आया आपके पास ई कैप क्रॉस ए वेक्टर प्लस लेमडा ई कैप, ये ठीक, और ये
तो ये हो गया हमारे पास, हमने दोनों साइड ई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है बट यहाँ पे नहीं है, तो सिंपली सॉल्व होगा ई कैप क्रॉस सी वेक्टर प्लस टी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, ई कैप क्रॉस डी वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे भी ई कैप क्रॉस ये वाला लेंगे पहले, ई कैप क्रॉस ए वेक्टर प्लस इधर भी लेमडा कांस्टेंट है बाहर ले लें, ई कैप और ई कैप आ जाएंगे, ई कैप क्रॉस ई कैप। ठीक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। ये एज इट इज ही रहेगा, इस पर कुछ कर सकते हैं नहीं फिलहाल तो, प्लस ई और डी। चला देखो ये ई कैप है और ये डी वेक्टर है, ई कैप और डी वेक्टर पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो एंगल क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में? जीरो, एंगल जीरो हो जाएगा। और अगर एंगल जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ई डी साइन, अगर इसको तोड़ेंगे मतलब सॉल्व करेंगे, ई क्रॉस डी ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो ये ई डी साइन थीटा, ई डी साइन जीरो, तो ई डी साइन जीरो मतलब साइन जीरो जीरो, तो ये पूरा पूरा जीरो कट गया। क्लियर है? ओके अब यहाँ आप देखिए वेक्टर डिवाइड प्रोडक्ट, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया कैसे निकालते हैं, और नहीं बताया है तो आप क्लास ट्वेल्थ की बुक देख लीजिए मैथ्स की, वहाँ पे आपको क्लियर मिल जाएगा वेक्टर चैप्टर में। ये वेक्टर डिवाइड प्रोडक्ट है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा इसकी बात करते पहले, ई कैप क्रॉस ई कैप सेम वेक्टर है, ठीक है, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं वो सेम है तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते तो सेम सेम का, तो ये वन हो जाता, ये जीरो नहीं होता, ये वन हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो बचेगा सिर्फ ये, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, कैसे हमें सॉल्व करना बताया था, ई कैप जो है, ठीक है, ई कैप को बाहर लिया, ई कैप को अगर हम बाहर लेंगे तो ई कैप डॉट ए वेक्टर रहेगा, माइनस अगर हम ए को बाहर लेंगे तो यहाँ पे ई डॉट ई आएगा, ये तो वन हो जाएगा, अभी मैंने बताया यहाँ पे। ई कैप डॉट ए की बात करते हैं, तो ई कैप डॉट ए क्या है भाई साहब, मैंने ए बताया था, ए क्या था, ए था पी के परपेंडिकुलर और ई के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो ये भी ए साइन थीटा में जाएगा, गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी यहाँ पे डॉट है ना, सॉरी, तो परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा ई कैप ए कॉस थीटा, परपेंडिकुलर है तो कॉस 90, मतलब ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये भी जीरो हो गया, ये भी कट गया, तो फाइनली हमें मिल गया ई कैप क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, ई कैप क्रॉस सी वेक्टर, और ये वन, तो ये बचा जीरो माइनस, ये वन हो गया तो यहाँ पे बचा ए वेक्टर, मतलब फाइनली सब खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, तो ए वेक्टर की वैल्यू में मिल गई ई कैप क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू में मिल गई, ए वेक्टर की वैल्यू में मिल गई ई कैप क्रॉस सी। अब जरा ई वेक्टर की, ई कैप की, ई कैप यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, ई कैप यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है, लाइन एल के अलोंग, लाइन एल इस पैरेलल लाइन के अलोंग है, मतलब लाइन एल जो है इसी डायरेक्शन में इस लाइन के पैरेलल है डी वेक्टर, तो ई कैप यूनिट वेक्टर के अलोंग कौन सा वेक्टर है, डी, ई कैप यूनिट वेक्टर के अलोंग कौन सा वेक्टर है, डी, पैरेलल है लेकिन है तो उसी डायरेक्शन में, पैरेलल है बट है तो उसी डायरेक्शन में, तो चूंकि ई कैप यूनिट वेक्टर के अलोंग ये वाला वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, तो ई कैप यूनिट वेक्टर के अलोंग डी वेक्टर है तो डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, जिसको हम मॉडुलस ऑफ डी वेक्टर लिख सकते हैं, तो ई कैप हमें मिल गया इस लाइन का इस पैरेलल लाइन के अलोंग, ई कैप हमें मिल गया इस लाइन का इस लाइन के पे इस लाइन इस पैरेलल लाइन के अलोंग, ई कैप मिल गया, और ई कैप क्या है, लाइन कोऑर्डिनेट लाइन सॉरी लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन का एक कोऑर्डिनेट आप दे सकते हैं। अब हमें चाहिए ए कैप,
और एक के भी हम निकाल चुके हैं। देखो ए कैप है ई कैप क्रॉस सी वेक्टर, लेकिन अभी ई कैप क्या वैल्यू ये आ गई है तो इसमें पुट करते हैं, तो ए वेक्टर क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ई कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी सॉरी सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। तो हमें ए वेक्टर की भी वैल्यू मिल गई, हमें जो है ए वेक्टर की भी वैल्यू मिलेगी। तो क्लियरली लिखते हैं, जिसको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा रिपीट कर लो वीडियो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियरली ई कैप हमें मिला डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, एंड ए वेक्टर हमें मिल गया ई कैप की वैल्यू पुट करने के बाद सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। ई कैप मिल गया, ए कैप मिल गया, लाइन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे। हैंस लिखते हैं इसको, हैंस लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन एल, और बेसिकली इस लाइन एल को हमने क्या लेके चल रहे हैं, बेसिकली आर इज इक्वल टू सी प्लस टी डी। तो इस लाइन का लाइन कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ई कैप कॉमा ए वेक्टर होता है लाइन कोऑर्डिनेट, तो ई कैप की वैल्यू क्या आई, डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर की वैल्यू क्या आई, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। सो दिस इज अ लाइन कोऑर्डिनेट, दिस इज अ लाइन कोऑर्डिनेट। तो जिसको नोट बनाना है वो छाप ले शुरू से लेकर अंतिम तक, दिस इज अ लाइन कोऑर्डिनेट। तो पिछले लेक्चर में हमने सिंपली लाइन एल लिया था तो उसे लाइन कोऑर्डिनेट निकाला, इस लेक्चर में हमने एक पैरेलल लाइन ली एल के अलोंग और हमने लाइन कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब वहाँ पे हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। तो पहले हम पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स समझेंगे, सिमिलरली हम मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ लाइन भी जानेंगे, किसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या। तो ये कुछ हमारे अगले लेक्चर्स के टॉपिक्स हैं, और इस बात का ध्यान दीजिएगा हम कुछ भी रेंडमली नहीं पढ़ा रहे हैं, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं जो सिलेबस है। तो अगर आप सिलेबस पढ़ा के देखेंगे तो बस कुछ ऐसा सिलेबस है, तो सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो यही है, पहले लाइन कोऑर्डिनेट है, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट है, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।